गर्मियों में करें आइसक्रीम का बिजनेस, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं। आइसक्रीम को गर्मियों का अमृत भी कहा जाता है। धूप की तपिश और पसीने से तरबतर इंसान को अगर ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए आइसक्रीम का बिजनेस गर्मियों में कम लागत में अधिक मुनाफे वाला होता है। आइसक्रीम का बिजनेस कई तरह से होता है। एक तो आप किसी बड़ी कंपनी के हॉकर या फुटकर, कमीशन सेलर या विक्रेता बन जाएं। इसमें आपको अपने पास से कुछ नहीं लगाना, आपको आइसक्रीम कंपनी फेरी लगाने के लिए गाड़ी और उसमें अपने ब्रांड की आइसक्रीम का माल देती है, उसको बेचने के बाद आपको तय कमीशन मिलता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी दुकान या मोबाइल बिजनेस के काम आने वाले रिक्शा पर बनी गाड़ी तैयार कराएं, उसके बाद आप बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की आइसक्रीम थोक में खरीदें और उसके बाद फेरी लगाकर आइसक्रीम बेचें। इस तरह से बिजनेस में पहले वाले बिजनेस के तरीके से अधिक मुनाफा मिल सकता है। तीसरा तरीका, आप अपनी आइसक्रीम खुद बनाएं और अपनी एक दुकान लें जहां से आप अपनी आइसक्रीम बनाकर बेचें। इस तरह के बिजनेस में आपको और अधिक फायदा होगा। चौथा, आप आइसक्रीम पार्लर खोलें। इसके लिए आपको एक अच्छी खासी दुकान लेनी होगी जहां पर आपको बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर के नामी कंपनियों की ब्रांडेड आइसक्रीम रखनी होगी। अपनी दुकान में ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह के बिजनेस में आपको आइसक्रीम के अलावा अन्य कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, गन्ने का जूस, शिकंजी, फ्रूट जूस आदि का भी बिजनेस लाभ मिल सकता है। इससे आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। बिजनेस पॉइंट का चुनाव कैसे करें? आइसक्रीम में बिजनेस पॉइंट यानी आपके बिजनेस करने के स्थान का चुनाव बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना होगा जहां पर भारी संख्या में लोगों का आवागमन होता हो। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना होगा कि किस समय पर आपको सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह मिलती है। स्थान और समय सही तरह से आप चुन लें तो समझें कि बिजनेस की आधी रूपरेखा तय हो गई। इन स्थानों पर ध्यान दें, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मेन मार्केट का मुख्य स्थान, खाने वाले ढाबे और होटल के पास, शहर के खास खास चौराहे के पास, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, पार्क और स्टेडियम के पास, शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों के पास, पॉश कॉलोनीज के मुख्य चौराहों के पास। बिजनेस का प्रारूप तैयार करें। आपको अपने बजट को देखकर अपने बिजनेस का प्रारूप तय करना है। आप किसी कंपनी के कमीशन एजेंट बनना चाहते हैं, बड़ी कंपनीज का थोक में माल लेकर फुटकर बेचना चाहते हैं या अपनी खुद की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं। यदि आप बड़ी कंपनीज की फ्रेंचाइजी या थोड़ा सा माल लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए मार्केट में कई सारे नामी गिनामी ब्रांड्स उपलब्ध हैं। यदि आप अपनी खुद की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग के बाद हो सके तो किसी आइसक्रीम बनाने वाले के यहाँ काम सीख लें, चाहे तो उसके यहाँ अपनी सेवाएं मुफ्त दें और जॉब कर लें, दोनों में से जो अच्छा लगे। इसके लिए आपको संक्षेप में आइसक्रीम बनाने की विधि और उपयोग आने वाली सामग्री तथा कच्चे माल की जानकारी दे रहे हैं। दूध, दूध का पाउडर, क्रीम, चीनी, शक्कर, मक्खन, इलायची, खाने वाले इत्र, फ्लेवर पाउडर, अंडे, बेकिंग पाउडर, खाने वाला कलर पाउडर, आइसक्रीम बनाने के काम आने वाली मशीन। आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ मशीनें तथा मशीनी उपकरण की आवश्यकता होती है। उनमें खास है बड़ा सा फ्रिज, मिक्सर, थर्माकोल वाला आइस कूलर बॉक्स, कूलर कंडेंसर। बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस शुरू करने से पहले इस बिजनेस के लिए पूंजी की व्यवस्था, लागत, मुनाफा, प्रचार, मार्केटिंग आदि बातों का खाका बनाने के लिए बिजनेस प्लान बनाना जरूरी होता है। जिस बिजनेस का जितना खूबसूरत बिजनेस प्लान बनता है उतनी ही अच्छी वो बिजनेस चलाता है, इसलिए बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है। लाइसेंस लेना है जरूरी। कमीशन एजेंट को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आइसक्रीम पार्लर खोलने वाले और अपनी आइसक्रीम बनाने वालों को शॉपिंग एक्ट में लाइसेंस बनवाना होता है। उन्हें FSSAI से फूड लाइसेंस लेना होता है, GST नंबर लेना होता है, अपनी फर्म या कंपनी को पेटेंट कराने के लिए ट्रेडमार्क का लाइसेंस लेना होता है। बड़ी कंपनी खोलने में आपको भारी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होती है। इसके लिए आपको श्रम कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। PF और ESI का भी लाइसेंस लेना होगा। जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की लोकल बॉडी, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत से भी फूड एंड ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। लागत कितनी आएगी? छोटे बिजनेस में आपको छोटी लागत आएगी। यदि आप किसी लोकल कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको कंपनी को लेवल सिक्योरिटी मनी यानी जमानत राशि जमा करनी होगी। बड़ी कंपनियों के फ्रेंचाइजी लेने वालों को कंपनी की निर्धारित फीस देनी होगी। दुकान या शॉप खोलने वालों को दुकान किराए पर लेनी होगी। कर्मचारी रखने होंगे, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करनी होगी, आइसक्रीम खरीदनी होगी। अपनी खुद की आइसक्रीम बनानी है तो उसके भी दो लेवल हैं। एक तो कंपनी खोलकर बड़े पैमाने पर आइसक्रीम बनाना और दूसरा तरीका कि दुकान खोलकर अपनी एक ब्रांड की आइसक्रीम बनानी है। कमीशन एजेंट को कुछ हजार रुपए की लागत आती है। फ्रेंचाइजी लेने वालों को बड़ी रकम लगानी होती है। दुकान खोलने वालों को भी अच्छी खासी रकम लगानी होती है। इसी तरह कंपनी खोलने वालों को तो और बड़ा इन्वेस्ट करना होता है।
खुद का लिमिटेड बिजनेस करने वालों को अधिक पैसा नहीं लगाना पड़ता, फिर भी इस बिजनेस में 2 से 10 लाख रुपए लग ही जाते हैं। यह आपके बजट पर निर्भर करता है, आप अपने बिजनेस में बिना किसी परेशानी के कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुनाफा कितना होगा? जिस तरह का बिजनेस करेंगे उसी तरह का मुनाफा होगा। कमीशन एजेंट का मुनाफा कंपनी द्वारा दिए जाने वाला कमीशन होता है, वो लगभग 5 से 10% होता है। फ्रेंचाइजी वाले को भी कंपनी की ओर से तय मुनाफा मिलता है। इस तरह के बिजनेसमैन को 10 से 15% मुनाफा मिलता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।